सारियां सारियां कुल्फियां देखो जी, किन्नी नरम ते मलाईदार बन के तैयार हुई हैं। देखो किन्नी नरम कुल्फी बनी है, ते भी सिर्फ दुध ना बनाई है आपां, ते होर किसी भी चीज की आपां वरतों नहीं कीती विच। देखो किन्नी नरम बनिया ने। सत श्री अकाल जी सारियां नूं, अज आपां मलाई कुल्फी की रेसिपी थोड़े नाल शेयर कर रहे हैं जी। सिर्फ दो चीजा नाल बना के तैयार करांगे, तो बिल्कुल जिवें तुसीं बाजार दे विचों कुल्फी खांदे हुंदे ना, सेम उसे तरीके नाल बनावांगे। बस इहनूं बनाउण दा इक तरीका हैगा वी दुध नूं आपां किस तरीके नाल काढ़ना ते किन्ना क काढ़ना हैगा। ते होर इहदे विच आपां बाजार चों आपां नूं कोई भी चीज़ लिआउण दी जरूरत नहीं, सिर्फ दुध चाहीदा ते खंड चाहीदी आ। चलो जी फिर रेसिपी बनानी स्टार्ट करते हैं। वीडियो के नाल बने रहो, वीडियो नूं पूरा सीखने वास्ते रेसिपी नूं। ते वीडियो जेकर वधिया लगी तो लाइक जरूर करो जी, शेयर वध करिया करो, ते चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लियो जी अपनी वीडियो जेकर तुहानूं वधिया लगी। चुल्हे ते जी आपां ना भारी तले की कड़ाही रखनी है, इस तरीके की कड़ाही होनी चाहिए। फिर इहदे नाल ना जिहड़ा दुध है वधिया कड़ूगा सही तरीके नाल। ते हुण कढ़ाई दे विच है ना जिहड़ा मैं दुध पाऊंगी, 1.5 लीटर तो थोड़ा जिहा उत्ते दुध है मेरे कोले, तुसीं 1 लीटर नाल भी बना सकदे हो। ते कच्चा दुध है, पहला आपां दुध नूं उबालांगे। ते वधिया मैं पौण लिया दुध नूं चंगे तरीके नाल, ते दुध नूं ना जी हल्का जिहा उबाल आउण लग गया, हल्की हल्की मलाई भी उपर दुध दे विच आउण लग गई। पर इह मलाई नूं आपां एवें सैट नहीं होण देना, इहनूं ना नाल दी नाल है जिहड़ा मलाई नूं विच मिक्स करी जाणा है। इहदे नाल जिहड़ा मलाई दा टेस्ट आऊगा कुल्फी दा, तो उबाल भी आई चलूगा। तो दुध जी अपने को 1.5 लीटर है, बस का चौथा हिस्सा जो रह गया ना दुध, उदों आप कुल्फी जमानी है। पर उस तो पहले आप दुध में काढ़ के अद्धा करना है, यानी कि 50% दुध में आप काढ़ना गा। तो हूँ आप कड़छी कुरछने इस तरीके जिमें आप खोआ कढ़ते हुए ना, आप थले नहीं लगन देना, क्योंकि दुध जो थले लगन लग गया फिर टेस्ट भी खराब होगा, तो वैसे भी सारी रेसिपी खराब होजू। इस करके आप थोड़ा जहा मेहनत लगेगी अद्धा घंटा, पर आप कुरछने हिलाते रहना तो इन्हू काढ़ना गा। हल्का जिहा मटाकता भी उबाल जिहड़ा छेती आ जाए, पहला आपां इहदे कड़छी नहीं चलाउणी, आपां पहले इहनूं उबाला देना गा, गर्म करना दुध नूं, दुध ठंडा सी। ते उबाला दे के बाद विच इहनूं आपां पकाउणा, तकरीबन अद्धा घंटा लगेगा, पर जिहड़ा टेस्ट है ना उह बाद विच कुल्फी दा बहुत वधिया आऊगा। सो सेम इसे तरीके नाल तुसीं जिवें आपां बाजार चों कुल्फी लिआउणी आ, जे तुसीं बनाउणी आ तां इस वीडियो नूं पूरा देखिओ, मैं किवें अग्गे दुध नूं सैट करदी आं, किन्ना क इहनूं काढ़दी आं, ते कदों इहदे विच खंड पाउणी आ। सिर्फ दो चीज़ां नाल इह बण के तैयार हो जूगी जी। जी आप काढ़ लिया, देखो इन्ना सीगा कढ़ाई दे विच ते अद्धा रह गया, 50% है जिहड़ा आप काढ़ लैणा दुध नूं। ते तुसीं हिलाउंदे जरूर रहना गा, जिहड़ी आ मलाई है ना विच नाल दी नाल मिक्स करनी है, इहदे नाल टैक्सचर बहुत वधिया आऊ कुल्फी दा। ते हुण आपां इहदे विच खंड पावांगे, जदों 50% दुध आपां काढ़ लिया। ये खंड है जिहड़ी मैं अद्धी कौली तो भी घट लैती है, तुसीं अद्धी कौली पा सकदे हो, 2 किलो दुध लै रहे हो तुसीं, मैं 1.5 किलो लैता सी, अद्धी कौली थोड़ी घट। बाकी मिठा तुसीं आपदे टेस्ट के हिसाब नाल जिहड़ा ऐड कर लिओ, इहनूं चंगे तरीके नाल मिक्स कर देंगे। तो खंड नूं आपां मिक्स करांगे ना, तो नाल दी नाल इहदे विच मैं बदाम पाऊंगी। बदामां नूं ना मैं इस तरीके नाल बरीक हल्का जिहा कट लिया, ये मैं इत्थे इस करके ऐड कर रही हूँ भी जिहड़ा बाजार वर्गा फ्लेवर आवे बिल्कुल कुल्फी दे विच, हल्के दरदरे जिहे रहणगे ते हल्के नरम हो जाणगे बदाम। ते 2 इलायचियां दा मैं पाउडर बना लिया, इलायची नाल जिहड़ा फ्लेवर वधिया आउंदा। जे तुहानूं इलायची दा फ्लेवर पसंद नहीं ना, तो तुसीं वनीला फ्लेवर ऐड कर सकदे हो। ते आपां मिक्स कर देंगे, तो इहनूं हल्का जिहा जिहड़ा फिर काढ़ांगे। हुण मैं तुहानूं दस्सदी हां तुसीं किन्ना काढ़ना है इहनूं, नाल दी नाल जिहड़े बदाम पक्की जाणगे ते खंड भी नाल दी नाल मिक्स होई चलूगी विच। इस तरीके ना आपां जरूर काढ़ना, कई बार की हुंदा कि आपणे तों वड्डी गलती हो जांदी वी दुध नूं आपां ज़्यादा ना रबड़ी तों वी ज़्यादा काढ़ा कर दिंदे आ, फिर उस तरहां ना जिहड़ी कुल्फी आ उह नहीं जांदी। ते ना तां तुसीं इहनूं ज़्यादा रबड़ी तों ज़्यादा काढ़ना गा, ते ना इहनूं हल्का पतला रखणा। इहदे मैं तुहानूं काढ़ के दिखाउणी वी तुसीं किन्ना क जिहड़ा गाढ़ा रखणा दुध नूं, फिर जिहड़ी कुल्फी ना बिल्कुल मलाईदार ते बिल्कुल नरम बण के तैयार होगी, ज़्यादा हार्ड नहीं जमणी। तो दुध जी देखो जी इस तरीके ना उबाल आ रहा, दुध में इस तरीके ना काढ़ना आपां, किन्नी मर्जी कोशिश कर लिए ना मलाई साइडा ते लग ही जाती है, पर जिहड़ी मलाई है नाल दी नाल आपां उतार ही जानी है, जिहड़ा दुध गड़ूगा मेन फ्लेवर इहदे नाल ही आऊगा। इस तरीके नाल आपां इहनूं काढ़ लांगे, ते ज़्यादा आपां इहनूं गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जदों आपां इहनूं ठंडा होण वास्ते रखांगे ना, तो उस तों बाद इह गाढ़ा ही होजूगा। तो आपां इहदे विच ना कोई कंडेंस मिल्क पाया, ना कस्टर्ड पाउडर पाया, ना कॉर्नफ्लोर पाया, आपां कुछ भी नहीं पाया, सिर्फ दुध नाल जिहड़ी कुल्फी तैयार कीती आ। पर बनाउण दा इक तरीका है, इहनूं किस तरीके नाल बनाउणा है, वह आपां तुहाडे नाल इस वीडियो च जिहड़ा शेयर कीता है। ते जी फुल फ्लेम ते है ना जिहड़ा दुध आपां काढ़ लिया, इस तरीके दा दुध है देखो, इन्ना क टैक्सचर, बस ज़्यादा रबड़ी नहीं बनाउणी। ते जे कढ़ाही ज़्यादा वड्डी होगी ना, तो दुध उहदे विच थोड़ा होगा, तो जल्दी है जिहड़ा दुध भाफ बन के उड जूगा, तो तुहानूं आसानी रहेगी, टाइम भी थोड़ा लगेगा। तकरीबन है जिहड़ा कुल्फी नूं बनाउण वास्ते 35 मिंट मसा लगणगे। चलो जी हुण आपां इहनूं थल्ले उतार के जिहड़ा रूम टैंपरेचर ते ठंडा कर लैंदे आ।
देखो जी, मैं थोड़ा कहा था ना भी जो आप दुध में है उन्ना गाढ़ा ला के रखा, बाद च उस तो भी ज्यादा गाढ़ा रबड़ी वगू बन जूगा। इस तरीके बन गया। जे तुम पहले ही चुल्हे तेन इन्ना गाढ़ा कर लोगे ना, फिर नहीं वधिया बननी कुल्फी। सो ये गाढ़ा हो गया तैयार है, थोड़ा जहा रूम टैंपरेचर से ठंडा भी हो गया। ये है जी अपने को आइसक्रीम जमाने वाली कौन, जो थोड़े को है नहीं ना तो गिलास या छोटिया बच्चों गिलासियाँ होंगे ज कौलियाँ उन्होंने भी जमा सकते हो। तो इतनी जी इस तरीके का एक बर्तन ला लेना आपको खुला। तो ये बर्फ है मेरे को, दो डोंगे बर्फ दे है। तो इन्हों मैं हल्का जहाँ छोटे छोटे टुकड़े कर लो। ये आप इस करके सैट कर रहे हैं भी बिल्कुल बाजार वर्ग जो टैक्सचर है ना कुल्फी का, वो आए तो कुल्फी आसानी ना सैट हो जाए। तो हम बर्फ के एक एक कोन है जी आप सैट करके रख देंगे इस तरीके। हाँ जी, आप जो कुल्फी का मिक्सचर बनाया ना, इनू पावे आप भर देंगे आप चंगे तरीके। तो इस तरीके जी हम आप कुल्फी सैट करती। हमें आइसक्रीम स्टिक है मेरे को, आप सैट कर देंगे। तो देखो जी कुल्फियाँ अपन बन वास्ते बिल्कुल तैयार है। इन्हों आप फ्रिज के जो 5-6 घंटे रखा तो 5-6 घंटे के सैट हो जाएगी। तो पूरे 6 घंटे बाद जी अपनी कुल्फी है जी बन के तैयार होगी। तो हम आप कढ़ लाँगे, हल्का जहाँ आप पानी पा लाँगे भी अपन आसानी हो जाए कुल्फियाँ कढ़न वास्ते। कुल्फिया नहीं आप पानी पाना, सिर्फ आप डब्बे पानी पावे तैयार ना, हल्का जहा थोड़ा जहा पानी मैं कुल्फी पै गया। चलो कोई गल नहीं, कुल्फिया जी इस तरीके हम आप हल्किया हल्किया जी एक करके कढ़ लाँगे। इस तरीके ने बिल्कुल नहीं निकलनी, वो तो वैसे निकल जाएगियाँ, पर आप हल्का जहाँ हाथों ना घुमा लाँगे इस तरीके। तो इस तरीके कुल्फी जी बहुत ही आसानी ना निकल के तैयार हो जाएगी। देखो रबड़ीदार कुल्फी, मलाईदार कुल्फी, तो कितनी वधिया दानेदार बन के तैयार हुई है। सारी ने सारिया जी आप कढ़ लाँगे तो सर्व कर लाँगे। देखो जी इन्हें हर अपने बड़की लाई है, कितनी नरम कुल्फी बन के तैयार हुई है। बिल्कुल भी आए नहीं भी बड़ी हार्ड बनी है, बिल्कुल ही नरम बन के तैयार हुई है मलाईदार कुल्फियां। तो तुम इस रेसिपी को जरूर घर ट्राई करो, बच्चों जरूर बना के दो। मतलब ये आप सिर्फ दुध का यूज़ किया है, बहुत ही वधिया रेसिपी बनूगी। जेकर तुम्हें वधिया लगी तो वध तो वध शेयर जरूर करो जी, तो लाइक जरूर करो। तो आप मिलेंगे नैक्सट रेसिपी के नाल। जाते हैं अपने चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो। तद तक लिए तुम सारे सत श्रीकाल जी। तो सारिया कुल्फियां बन के तैयार हो गई जी। इस तो पहले यह मेल्ट हो जाते हैं, आप जो इन्हों खा लें। तुम जरूर रेसिपी को घर ट्राई करो इन बना के। सारिया सारिया कुल्फियां देखो जी किनिया नरम तो मलाईदार बन के तैयार हुई हैं। देखो किन्नी नरम कुल्फी बनी है। तो भी सिर्फ दुध ना बनाई है आप, किसी भी चीज़ की आप वरतों नहीं की। देखो